Welcome to Time News Studios. You are watching 7 PM Bulletin. भारत आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ए बलूचिस्तान में बदमनी के हथी वठाए रो है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दौरान पाकिस्तान के गैर मुस्तहकम करने लाए भारतीय रियासती दहशतगर्दी ते गणती जाहिर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दौरान LOC ते भारतीय फौज की फायरिंग का मासूम शहरों के बचाने लाए कदम करण जो अजम। अफगान अमन अमल में हाकारी अगभराई जो भी जायजो वरत वो। पंजाब काबीना शहबाज शरीफ ए हमजा शहबाज के 5 दिन लाए परोल से आजाद करने की इजाजत दे छी। वरे वजीर उस्मान बोजदार समरी मंजूरी लाए काबीना रा उमाणी हुई। पंजाब के वजीर फयाजुल हसन चौहान है तो बेगम शमीम जो आखिरी रस्मों अदा करने दौरान शरीफ खानदान से मुकम्मल सहकार किया वो। पंजाब हुकूमत इन मामले से न सियासत कर रही है नई कंदी। वफाकी वजीर शिबली फराज है तो नवाज शरीफ इसहाकदार हसन ए हुसैन नवाज मथा पाकिस्तान अचान से का भी पाबंदी ना है। बेगम शमीम अख्तर के जनाजे नमाज में शिरकत कन। रियासती जबरवारी प्रोपेगेंडा लादाने से सियासत बराबर है। अगोने वजीर आजम नवाज शरीफ से सियासतदान जा फोन से राबता। संदस अमर बेगम शमीम अख्तर के लादाने से ताजियत। आसिफ जरदारी चौधरी शुजात चौधरी परवेज इलाही ताहिरुल कादरी बयान नवाज शरीफ से फोन से ताजियत कई। वफाकी काबीना जिन्सी ज्यादती केसेस में जवाबदारन की सजा लाए सिफारिशन की मंजूरी दे छी। इजलास दौरान अक्सर काबीना मेंबर्स जवाबदारन लाए फाही की सजा के कानून में शामिल करने मुतालबो किया। वजीर आजम इमरान खान तरफा जिन्सी ज्यादती के केसेस बाबत जल्द कानून साजी की हिदायत। कानूनी टीम एंटी रेप ऑर्डिनेंस को मसवदो तैयार कर वरतो। काबीना के इजलास दौरान गालहाइंदे वजीर आजम है तो मुतासिर औरतों बारन की सुणप के तहफ़ दियण लाए खुसूसी ख्याल रखो वो। अड़ो कानून आंदो वे तो जी मुतासिर बार औरतू बिना कें खौफ के शिकायत दाखिल कराए सकन। कराची में IG सिंध के मामले से वजारती कमेटी की जांच दौरान अहम मामला सामू आया जल्द रिपोर्ट पदरी कई वी। सूबाई वजीर नासिर शाह है सिंध के बेटन से कम न पो हले सदारती ऑर्डिनेंस से कुछ नो मकामी मानून के रास्ते खान सवाए कें भी बेटन से कम कर दिनों वो। पाकिस्तान कोरोना का बचाव की वैक्सीन की तैयारी जो अमल बाजाबता तौर शुरू कर छो। वजीर आजम इमरान खान सेहत वाली वजारत के वैक्सीन की तैयारी लाए लेटर लिखी छो। वफाकी सेहत खाते के निजी शोबे सूदों समूरन वागियल धुरन से सलाह मशवर बाद तजवीजू तैयार करने की हिदायत। खत में वजीर आजम इमरान खान है तो पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की तैयारी लाए अमेरिका सहकार कर रास्मो जाहिर किया है। वजीर आजम इमरान खान तरफा कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से कौम के एतमाद में वठण जो फैसलो। सिंध में कारोबारी मरकज सुबह 6 वगे खोलण शाम 6 वगे बंद करण बारे हुकूमती हुकुम से अमल न थो। कराची हैदराबाद ए बन शहरों में SOPs भी नजरअंदाज। हुकूमत छंछर ए आचर से कारोबारी मरकज बंद रखने जो भी नोटिफिकेशन जारी कर छो। सरकारी ए खानगी इदारन में 50 सैकड़ों स्टाफ मुकर्र हों। दरगाहों थिएटर्स सिनेमाज ए जिम बंद रहंदा। शादी हॉल्स तकरीबन से पाबंदी लगाई वही। खुलियल हंधन से तकरीबू रात 9 वगे तीन खत्म करण जो हुकुम। सिंध में स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन शादी हॉल्स एसोसिएशन हुकूमती फैसले से एतराज़ मारे छड़ा। तंजीमों के अगवाणन टाइम न्यूज से गालहाइंदे है तो SOPs से अमल कर बावजूद खेन नुकसान पहुंचाए पे वे साणन सलाह मशवर बिना फैसला क्या वह। सिंध में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ए कलंदर लाल शहबाज की दरगाहों समेत समूरू दरगाहों 31 जनवरी तीन बंद करण जो हुकुम जारी। अगोने वजीर आजम नवाज शरीफ के इश्तिहारी करार दियण वाली कार्रवाई 2 दिसंबर तीन मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चवण है तो मुतमिन थियण है तो नवाज शरीफ के हुक्मनामे का आगाह करण की हर मुमकिन कोशिश कई वही। परडेही खाते रिपोर्ट पेश कर नवाज शरीफ जानी वाणी अदालत में पेश नी रो है। अदालत इश्तिहार पहुंचाईंदड़ ऑफिसर्स का बयान रिकॉर्ड करण जो हुक्म दई छो।
सिंध यूनिवर्सिटी जाम शुरू थे बैंक के कर्ज सूदो 71 करोड़ रुपये जो रहतू होजन जो इंकशाफ वक्ती वीसी सिद्दीक कलहोड़ो वफाक का 50 करोड़ सिंध सरकार का 1 अरब रुपये जो बेल आउट पैकेज घुरी वरतो वीसी चे वाहे ते रिटायर्ड मुलाजमन के मरातन के मद में मजमुई तौर 15 करोड़ का वधीक रहतू आहन बेल आउट पैकेज का सवाए यूनिवर्सिटी जो माली तौर पंजे पेरन ते बीहन मुमकिन ना है। सिंध यूनिवर्सिटी के अगोणे वीसी फतेह मोहम्मद बुर्फ की जबरी मोकल वारो नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार सिंध हाई कोर्ट हुकूमती वकील से मुखातिब थींदे चयो ते जबरी मोकल वारो नोटिफिकेशन वापस वठो बी सूरत में करदम करार दिनो वेंदो। सिंध सरकार के वकील तरफा नोटिफिकेशन वापस वठण बाद फतेह मोहम्मद बुर्फत ओहदे ते बहाल अदालती फैसले बाद टाइम न्यूज से गालहाइंदे फतेह मोहम्मद बुर्फत चयो आहे ते सिंध हाई कोर्ट जो लिखित में फैसलो मिलंदे ही चार्ज संभालींदसि गैर कानूनी नोटिफिकेशन जरिए जबरी मोकल से रवानो कयो वियो हो करप्शन के इल्ज़ाम ला जुड़ियल जांच कमेटी से भी सहकार करण ला तैयार आहां। सिंधारी कमेटी के सरबरा हैदर बख्श जतोई के पोटे कामरेड अजहर जतोई की तदफीन से तकरार अकेला जी खाते गुलाम हैदराबाद में शाह कलहोड़ो के मजार के अहाते में तदफीन से एतराज वारींदे केस दाखिल कराने जो फैसलो कर वरतो बल्दिया थाने से केस दाखिल कराने जो तैयारियों कामरेड अजहर जतोई 4 दिन के लाराउन कर वो हो। सखर में केनालन के किनारन तां कब्जा छराण दौरान शहीद कयल मस्जिदन लाए मुतबादिल जाय दियण जो हुकुम आपाशी खाते की जमीनन ते अडियल मस्जिदों शहीद न करण जो हुकुम सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच जमीनन तां कब्जा छराण लाए जिम्मेवारी मिलियल ऑफिसर्स की बदलिन ते पाबंदी लगाए छरी आपाशी खाते के सेक्रेटरी के मामले में मुदाखलत न करण जो हुकुम अदालत रिमार्क्स इन्हें चयो है तो हद दखलन वे मामले में आपाशी वजीर मुदाखलत कंदो तो उनके तोहीन अदालत समझो वेंदो। सिंध सरकार जमीनन तां कब्जा छराण वे केस से बुधनी लाए लार्जर बेंच जोड़ने बाबत अदालत से राबतो कर वरतो एजी सिंध तरफा दाखिल दरख्वास्त में केस सखर का कराची मुंतकिल करण की इस्तदा दरख्वास्त में हाई कोर्ट सखर जो फैसलो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उबतड़ करार। सिंध में बल्दियाती चूंडू न कराने से इलेक्शन कमीशन ए सूबाई हुकूमत के तोहीन अदालत नोटिस जारी सिंध हाई कोर्ट बल्दियाती चूंडन लाए सिंध हुकूमत के बीहर खत लिखण की हिदायत कर छी बुधनी दौरान दरख्वास्त गुजार मौकफ़ इख्तियार कर तकबंदन जो बहानो कर बल्दियाती चूंडन के रोको वो है। सिंध सरकार बल्दियाती चूंडू न कराए 78 अरब रुपये की सालियानी बजट गड़कायण घुरे थी अदालत बुधनी 15 दिसंबर ताई मुलतवी कर छी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन टाइम न्यूज़ से गॾु आउं आहियां ताहिरा वज़ीर हेडलाइंस वठी अचूं तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।